अपनी स्किन को ग्लो करना कौन नहीं चाहता। और जब हम बात करते हैं कोरियन स्किन की या ग्लास स्किन की, तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं। और अभी के टाइम पे यकीन मानिए, यूट्यूब का सबसे ज़्यादा सर्चिंग टॉपिक ये रहता है कि अपने स्किन को ग्लास स्किन हम कैसे बनाएं। सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आप सिंपल से स्टेप से अपने घर पर ही कैसे ग्लास स्किन को अचीव कर सकते हैं। 7 डेज का हम एक चैलेंज रखेंगे, ठीक है। विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अनइवन स्किन टोन, सभी की अलग अलग स्किन होती है, तो किसी को 7 दिन में, किसी को 10 दिन में, या किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं, बट रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आज 2 सिंपल स्टेप्स। पहला होता है आपका स्किन का ग्लो और दूसरा होता है आपकी स्किन का हाइड्रेशन। और दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे एक मास्क से और दूसरा करेंगे हम एक जेल से। दो चीज़ें हम इसमें तैयार आज करने वाले हैं। सबसे पहले एक जेल जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, और दूसरा हम तैयार करेंगे इसमें एक मास्क जो 4 इंग्रेडिएंट से, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में अवेलेबल है, उनसे हम तैयार कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है हमारा बेसन। और बेसन को ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से यूज़ करते हैं। जैसे किसी अगर लड़की की शादी होती है तो उसको उबटन लगाया जाता है, और उबटन का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है बेसन। क्योंकि आपके स्किन को ये एक्सफोलिएट करके, आपको अगर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, एक ऐसा निखार आपको देता है जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए ये उबटन का इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी कोई शादी होती है, क्योंकि आपको अपना बेस्ट वर्जन देना होता है अपने स्किन का। और अगर आपके स्किन के ऊपर कोई डार्क स्पॉट हो रखे हैं, या फिर तिल हैं, या फिर कोई भी दाग धब्बे हैं, उनको भी फेड आउट करने में बेसन का जो काफ़ी रोल रहता है, एक्सफोलिएट आपकी स्किन को करता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा बेसन। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका हल्दी। हल्दी को एंटी एजिंग या फिर एंटीसेप्टिक, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके स्किन को निखारने में आपकी मदद करती है। और जब भी कोई प्रोडक्ट्स की बात आती है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हल्दी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट की ओर, जिसका नाम है राइस वाटर। देखिए, राइस वाटर का डायरेक्टली लिंक होता है आपकी ग्लास स्किन के लिए। जब भी ग्लास स्किन की बात आती है तो राइस वाटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि राइस वाटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो राइस वाटर को आपको तैयार कैसे करना है? सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लें, और आप कोशिश करें कि आपको पुराने वाले चावल मिले, आप नए चावल का यूज़ ना करें। इनको अच्छे से वॉश आउट करने के बाद में आप इसको 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दीजिए, और 5 घंटे के बाद जब इसका पानी का कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाए, ठीक है, तो इसको आप छान करके अच्छे से इसको रख लीजिए। बात करते हैं हम चौथे इंग्रेडिएंट्स की, लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो है आपका ग्लिसरीन। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट से जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें ग्लिसरीन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट और एक बैलेंसिंग टोन देने के लिए ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। इवन गुलाब जल के साथ भी आप ग्लिसरीन का यूज़ देखते ही हैं, क्योंकि आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखता है। तो ये 4 चीज़ों का मिक्सअप करके आप एक फेस मास्क का तैयार कर सकते हैं। बट चीज़ें आपको कैसे कैसे मिलानी है वो थोड़ा सा आप देख लेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए बेसन 1 चम्मच, 3 चम्मच आपको इसमें राइस वाटर, और आपको 1 चम्मच डालना है इसमें ग्लिसरीन, और थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी, क्योंकि इसमें अगर हल्दी आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा येलोनेस आ जाएगा, जो आपको शायद पसंद ना आए। तो इसमें आप एक चुटकी सिर्फ हल्दी की डालें। अब इस पेस्ट को आप अच्छे से रेडी करके अपने चेहरे के ऊपर लगाना शुरू करें। चेहरे के ऊपर लगाने के बाद में आप इसको अच्छे से मसाज करें, और फिर आप थोड़ा सा इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद में आप हाथों को अपना गीला करके फिर थोड़ा सा रब करने के बाद में इसको हटा दें। ये आपको कब यूज़ करना है? इसको आप यूज़ करेंगे सिर्फ अल्टरनेट डेज में, जो मैंने आपको 7 डेज बताए, तो उसमें अल्टरनेट डेज जो होंगे उसमें सिर्फ आप इसको यूज़ करेंगे, यानी एक दिन छोड़कर, ठीक है। पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन, 4 दिन आपको यूज़ करना है। तो ये 4 दिन में से बाकी जो, मतलब 7 दिन में से बाकी जो बचे हुए आपके 4 दिन हैं, उनमें आप क्या करेंगे? उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एक जेल जो आपको यूज़ करना है इन 3 दिनों में, बीच के जो 3 दिन हैं। अब हम बात करें अपने जेल की। देखिए, आपकी कोरियन स्किन के लिए 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ग्लो और हाइड्रेशन। ग्लो इस मास्क से आपको मिलेगा, और हाइड्रेशन इस जेल से, जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसके लिए 2 सिर्फ चीज़ें आप लोगों को चाहिए। सबसे पहला एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन से लेके आपके डाइजेशन, इवन ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें एलोवेरा का यूज़ ना किया जाता हो।
तो एलोवेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाने वाला एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आपको जितना एलोवेरा आप लेंगे उतना ही आपको ग्लिसरीन इसमें डालना है, जो आपको पहले से ही आपके पास में अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में, ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स कर ले और इसकी आप मसाज चेहरे के ऊपर अपने लगाएं। कब लगाना है? जब अल्टरनेट डेज में, जिस दिन आप मास्क नहीं लगाएंगे उस दिन आपको ये जेल अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये जो आपका 7 डेज बना वो ऐसे बना है कि आपको पहले दिन लगाना है ये मास्क, जो 4 चीज़ों से बना था, जिसमें हल्दी, जिसमें बेसन, जिसमें राइस वाटर, ठीक है, इन सब से। और दूसरे दिन आपको यूज़ करना है ये जेल, जिसमें आपको एलोवेरा और आपका ग्लिसरीन। तो ये अल्टरनेट डेज आपके चलते रहेंगे, 7 डेज में आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। अनइवन स्किन टोन हर किसी की होती है, किसी की ओली, किसी की ड्राई, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 दिन में आए, किसी को ज़्यादा दिन के बाद भी आ सकते हैं, 10 दिन के बाद भी आ सकते हैं, 15 दिन के बाद भी आ सकते हैं, बट आई एम डैम श्योर इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, किसी को जल्दी आ जाएंगे, किसी को लेट आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपनी ग्लास स्किन, अपनी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बे, कोई भी पिगमेंटेशन, कोई भी एक्ने, अगर उसकी समस्या है वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो ये चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ में। और वो टॉपिक क्या होना चाहिए आप हमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।